दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी एक मशहूर भाषाविद हैं, कि विशेषता यह है कि इतिहास की उन सच्चाइयों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जो सच्चाई छुपाई गई है, इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह नहीं मिली, या इतिहास के पन्नों में यदि लिखी भी गई होगी तो उन इतिहास के पन्नों को फाड़ कर फेंक दिया गया होगा। उन्होंने एक पोस्ट की है जो बेहद रोचक और महत्वपूर्ण है। इतिहास के लहजे से एक ऐसी जानकारी है जिसे हमें लोगों तक इस जानकारी का प्रसार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें जो बताया गया था वह कोरा झूठ था। उन्होंने अभी हाल ही में जो पोस्ट किया है, आइए मैं आपके सामने उसे साझा करता हूँ। उन्होंने लिखा है, घूमते घूमते हेनसांग कंधार क्षेत्र पहुँचे, फिर पुष्कलावती गए। पुष्कलावती के पास एक स्तूप था, वह बोधिसत्व श्रमक की स्मृति में बना था। बोधिसत्व श्रमक वहीं रहकर अपने अंधे माता पिता की सेवा करते थे। एक दिन का वाक्या है कि वे अपने अंधे माता पिता के लिए फल लाने गए थे। तभी एक राजा जो शिकार करने के लिए निकले थे, श्रमक को अनजाने में 20 बाण से मार दिए। श्रमक बोधिसत्व मरे नहीं, बल्कि उनका घाव औषधि से ठीक हो गया। माता पिता की सेवा करने वाले बोधिसत्व श्रमक की स्मृति में वह स्तूप बना था। यही बुद्धिज्म है। श्रमक का यह इतिहास पढ़कर ना जाने क्यों पुराणों के श्रवण कुमार याद आ गए। आप देख रहे हैं पी लो बाबा साहेब चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।